नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन आरईपीएल ड्रॉप 120 के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इसके क्या क्या यूज़ होते हैं और किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मेडिसिन पर कितनी एमआरपी आती है, कितनी डोज को आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, इस मेडिसिन से जुड़ी हर जानकारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करें। दोस्तों आरईपीएल ड्रॉप 120 होती है, देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। अगर बात करें इसके साइज के बारे में तो 30 ml के साइज में मार्केट में मिल जाती है। दोस्तों जो इस पर एमआरपी आती है वो 154 रुपये या 154 रुपये इस पर एमआरपी आती है और जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है होम्योपैथी में एक कंपनी आती है आरईपीएल जिसके द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इसका मेन यूज होता है वो कोलिक के लिए, अपडोमन पेन के लिए होता है। अगर आपके पेट में दर्द रहने की परेशानी है, दर्द चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो या दर्द का कोई भी कारण क्यों ना हो, या दर्द पुराना है या फिर नया है, जो दर्द है वो चाहे छोटे बच्चों में होता हो या बड़े लोगों में होता हो, तो हर प्रकार के दर्द को ठीक करने का काम ही मेडिसिन करती है। या किसी को गैस्ट्रालजिया की परेशानी है, गैस बनने की वजह से अगर किसी के पेट में दर्द है तो वैसे दर्द को भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। या किसी को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, रीनल स्टोन की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से गुर्दे में पथरी होने की वजह से अगर किसी के पेट में दर्द रहता है या जो किडनी रीजन होता है वहाँ पर दर्द रहता है, तो ऐसे दर्द को भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। या किसी को मसल्स क्रेम की परेशानी है, जो मांसपेशियां होती हैं पेट में वहाँ ऐठन आ गई है जिसकी वजह से पेट में दर्द रहता है, या पेट में कोई सूजन आ गई है जिसकी वजह से पेट में दर्द रह रहा है, तो उसको भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। या जब किसी को मेसेंटरिक लिम्फ नोड एनलार्जमेंट की परेशानी है, खासकर ये जो परेशानी होती है छोटे बच्चों में या बड़े बच्चों में देखने को मिलती है, जो पेट में लिम्फ नोड होते हैं उनमें एनलार्जमेंट हो जाता है या उसमें सूजन आ जाती है जिसकी वजह से पेट में दर्द रहने की परेशानी देखने को मिलती है, तो उस प्रकार के दर्द को भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों जिसका अगला यूज़ होता है, दोस्तों जो महिलाएं होती हैं उनमें पीरियड टाइम में कई बार पेट में दर्द देखने को मिलता है, इसको डिसमेनोरिया कहा जाता है। तो डिसमेनोरिया को ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी भी महिला के पेट में दर्द हो रहा है, खासकर पीरियड टाइम में अगर किसी को दर्द हो रहा है, तो उस प्रकार के दर्द को भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों जो आरईपीएल ड्रॉप 120 होती है पेट दर्द की बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन होती है। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो आप इसकी जो डोज है वो जल्दी जल्दी अगर ले लेते हैं तो आपका जो पेट का दर्द है वो तुरंत ठीक हो जाएगा और आपको किसी भी डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास ये मेडिसिन रहेगी तो आपका जो पेट का दर्द है वो तुरंत ठीक हो जाएगा। तो बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिनकी सहायता से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है, जिसमें पहली मेडिसिन होती है कोलोसिन, पेट दर्द की बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को बेंडिंग डबल होने से पेशेंट को दर्द बहुत तेज़ होता है तो वह हल्का सा आगे की ओर झुक जाता है या डबल हो जाता है या पेट को टाइट करके इस तरीके से दबा लेगा तो उसको थोड़ा राहत मिलती है दर्द में, तो ऐसे दर्द को ठीक करने का काम कोलोसिन मेडिसिन करती है। इसमें अगली मेडिसिन होती है मैकफॉस। दोस्तों अगर किसी को सिकाई से आराम मिलता हो, बेंडिंग डबल होने से आराम मिलता हो, तो ऐसे दर्द को ठीक करने का काम मैकफॉस मेडिसिन करती है। इसमें जो अगली मेडिसिन होती है बेलेडोना। दोस्तों अगर पेट में कोई सूजन आ गई हो, उसके वजह से दर्द है, तो उसको ठीक करने का काम बेलेडोना मेडिसिन करती है। जो इसमें अगली मेडिसिन होती है कैमोमिला। दोस्तों अगर किसी को गुस्सा करने से, अगर किसी के पेट में दर्द है या गैस बनने से या मसल्स में क्रैम्प की वजह से अगर पेट में दर्द है, तो उसको ठीक करने का काम कैमोमिला मेडिसिन करती है। जो इसमें अगली मेडिसिन होती है नक्सभूमिका। अगर किसी को गैस की वजह से पेट में दर्द रहने की परेशानी है, उसको ठीक करने का काम नक्सभूमिका मेडिसिन करती है। और दोस्तों इसमें अगली और लास्ट मेडिसिन होती है डाइस्कोरिया। अगर किसी को सीधा रहने से पेट में दर्द में राहत मिलती है, ऐसे पेशेंट ऐसे होगा तो उसको दर्द ज़्यादा होगा, अगर सीधा हो जाए या लेट जाए बिल्कुल सीधा होगा तो उसको पेट में दर्द में राहत मिल जाती है, तो ऐसे दर्द को ठीक करने का काम डाइस्कोरिया मेडिसिन करती है। तो दोस्तों कुछ मेडिसिन थी जिनकी सहायता से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। दोस्तों बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पेट में दर्द बहुत तेज़ हो रहा है तो आप इसकी जो डोज है वो हर 1 से 2 घंटे पर रिपीट भी कर सकते हैं। अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और जो इस पर एक्सपायरी डेट आती है वो 5 साल की आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।